हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, वहाँ पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे पुरुष है, लड़के हैं और खिलाड़ी, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर इसका वेन डायग्राम पूछा जा रहा है और चार ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, एनालॉजी यानी सौदृश्यता से घसीट मारना का संबंध लिखना है, तो उसी प्रकार से करा कि हकलाना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 386 है दोस्तों, इससे जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि घसीट मारना का संबंध लिखना है तो उसी प्रकार से हकलाना का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार घसीट मारना का संबंध लिखना है दोस्तों, यानी कि हम लोग जो लिखते हैं तो जानते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से हाथ को पेपर पे यानी कि रखते हैं दोस्तों, यानी कागज पर रख के लिखना होता है, तो वही दे दिया संबंध कि घसीट मारना का संबंध यदि लिखना है यानी कि तो उसी प्रकार से हकलाना का संबंध क्या होगा। तो हकलाना का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, बोलना से हो जाएगा। बहुत सारे आदमी जो बोलते हैं तो हकलाकर बोलते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हकलाना हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, लगभग अलग-अलग शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका समझना है कि घसीट मारना का संबंध लिखना, यानी जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं दोस्तों, एक तरीके से घसीट मार के यहां पर दिया है, उसी प्रकार से हकलाना का संबंध किससे देगा, तो बोलना हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न ये दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट, सबसे सरल कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहां पर दिया है दोस्तों एक है, फिर आठ है, फिर हम लोगों के सामने 27 है, उसके बाद यहाँ पर दिया है दोस्तों 64, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। एक जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यानी एक का क्या हम लोगों के सामने क्यूब है, आठ जो है दोस्तों ये दो का क्यूब है, 27 जो है दोस्तों ये तीन का क्यूब है, 64 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार का क्यूब हो जाएगा, उसी प्रकार से आगे यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, पाँच का क्यूब आएगा। तो पाँच का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि सर एक का क्यूब एक कैसे होता है, तो ये भी बात बता देते हैं। देखिए एक का क्यूब कहने का मतलब एक को तीन बार गुना, यानी एक गुना एक गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के आएगा। उसी प्रकार से दो का क्यूब कहा तो दो तीन बार, दो गुना दो गुना दो, तो दो गुना चार गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, आठ। नहीं समझ पाते इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स दे दिए समझने के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा ही करेगा। कोई इस प्रश्न का आंसर ए कहेगा, कोई बी कहेगा, कोई सी कहेगा, कोई डी कहेगा। तो चलिए आपको बताना कि इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा करने वाले हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हम बताते हैं, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों पुरुष है, लड़के हैं, खिलाड़ी है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, तो देखिए जितने भी हम लोगों के सामने लड़के होंगे सारे
सारे लड़के हम लोगों का किस में चले जाएंगे दोस्तों, तो जितना भी लड़का है वो किस में चला जाएगा, तो पुरुष में चला जाएगा। सारे लड़के हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष हो जाएगा, यानी कि ई क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो इस तरीके से ई डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुछ पुरुष और कुछ लड़के हम लोगों का क्या हो सकते हैं दोस्तों, खिलाड़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं कि कुछ पुरुष और कुछ लड़के क्या हो सकता है दोस्तों, खिलाड़ी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे और हम लोगों का डायग्राम क्या हो जाएगा, इधर से जाकर इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अनुभवी ज्ञानी सभी बैठे हैं जो कि आंसर बी को टिक कर रहे हैं, कोई सी को टिक कर रहे हैं, कोई डी को टिक कर रहे हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जो एजेंसियां कंडक्ट कराई अभी बिल्कुल अभी TCS दोस्तों इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया, अलग अलग एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही और इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। बस तरीका समझना कि जितने भी पुरुष हैं तो वो क्या है, यानी कि जितने भी लड़के हैं दोस्तों सारे पुरुष के अंदर जाएंगे, और कुछ पुरुष और लड़के क्या हो सकते हैं दोस्तों, खिलाड़ी हो सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बताना है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को रोक के जल्दी से ट्राई करके देखिए और जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न इस पार्ट में सही हुए, क्योंकि ये हमारा पार्ट कितना चल रहा है दोस्तों, 386 पे आ गए हैं। तो जिसने 385 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए आज से देखना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, आखिर क्या करें इन दो और तीन को जो कि ये बीच वाला तीन आ जाए, उसी प्रकार चार और पाँच को क्या करें जो बीच वाला नंबर आ जाए, उसी प्रकार से इन बाहरी नंबर को क्या करें जो कि हम लोगों का अंदर वाला आ जाए। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, दो अगुना क्या कर दिया, तीन कर दिया, और इसी में ये जो दो यहाँ पर ये दो को देख लीजिए, हटाइए ऐसे कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर ये दो और ये तीन को, इसी को गुना कर लिया, उसने क्या कर दिया दोस्तों, इसी में दो से अपने मन से क्या कर दिया दोस्तों, भागा कर दिया। तो जैसे ही भागा करेंगे उसी प्रकार से अभी समझने का प्रयास, यहाँ भी वही काम करेंगे, चार गुना पाँच कर देंगे, तो चार अगुना आप क्या करेंगे सर, पाँच कर देंगे, और भागा में क्या कर देंगे, दो कर देंगे। ये दो कहाँ से आया था, अपने मन से। क्यों अपने मन से लाए, क्योंकि हम लोगों को उस प्रकार से सोचना होगा, लॉजिक लगाना होगा। तो यहाँ पर इसमें भी दो से भागा कर देंगे और देखिए आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दो से दो कट जाएगा, तो हम लोगों का क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर तीन बचेगा, तो वही तीन उसने अंदर में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ दो से दो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो दो दुना चार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, दस आ जाएगा। तो देखिए उसने यहाँ पर बीच में दस लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। उसी प्रकार से देखिए दो तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कटा लीजिए, आपको घबराना नहीं था कि दो तिया क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। तो सात गुना तीन करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड करें, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है। काफ़ी रिपीटेड अभी तक हमारे इस क्वेश्चन को दोस्तों 6-7 सेट में रिपीट कर चुका, और अलग अलग बुक में देख रहे हैं, हर सेट में इस तरीके के प्रश्न देखे गए हैं। कभी अलग अलग दे देते हैं लेकिन यही पैटर्न पर है। जैसे यहाँ पर देखिए ए है, एफ है, के है और डी है, इसमें बताना है विषम यानी एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों इन चारों में से। तो देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी हो गया, उसके बाद और ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों हम लोगों के सामने सी। इन सभी में यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कि इन सभी में, इन यहां पर पहले लिखना होगा कि इन सभी में, देखिए इन सभी में क्या किया दोस्तों, रेखा का प्रयोग हुआ है। इन सभी में क्या हुआ दोस्तों, रेखा, यहां पर लिख देते हैं रेखा का प्रयोग। क्या रेखा, अभी आप समझेंगे यहां पर रेखा का प्रयोग क्या है, बस इतना बात यदि आप समझ गए तो हो जाएगा। ये देखिए ए में कितना रेखा, यानी कितना ए को लिखने के लिए कितना लाइन का जरूरत है, तो तीन लाइन का जरूरत है। तो इधर से करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीन लाइन का। उसी प्रकार से एफ को लिखने के लिए यहाँ पर तीन लाइन का जरूरत है। उसी प्रकार से के को लिखने के लिए यहाँ भी तीन लाइन का जरूरत है, लेकिन डी में कोई एक वक्राकार आकृति है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पिछले सेट में भी हमने इस प्रश्न का आंसर करवा चुके हैं और बिल्कुल डी होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर कह रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा कि उनका जो पोता है मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है, तो उस व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है। तो चलिए यहाँ पर अब इतना दूर तो पढ़ ले, लेकिन अब पढ़ेंगे और करेंगे। यानी कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति है दोस्तों, यानी उसने कल्याण ने इशारा करते हुए कल्याण ने कहा कि उस उनका पोता, अच्छा, तो एक व्यक्ति को इस जगह पर क्या बना लिया जाए दोस्तों, सिंपल सा यहाँ पर क्या कर लेंगे, व्यक्ति कर लेंगे, यही हम लोगों का व्यक्ति हो गया। तो व्यक्ति का कोई क्या होगा दोस्तों, बेटा होगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, और बेटा का जो बेटा होगा तो यही उसका क्या होगा दोस्तों, पोता होगा। यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता, ब्रैकेट में लिख दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन है। देखिए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कल्याण ने कहा कि उनका जो पोता है मेरे भाई का एकमात्र पुत्र, अच्छा, तो इनके भाई, यानी भाई का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर यही हो जाएगा भाई इसका, यहाँ पर यही हो जाएगा क्या दोस्तों, भाई हो जाएगा। और इसी जगह हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर कर लेंगे क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको भी आत्मा में कल्याण मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिख दिए, हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, कल्याण। तो वही कह रहा है कि कल्याण ने कहा कि उनका जो पोता है मेरे एकमात्र भाई का पुत्र है। तो कल्याण का एकमात्र भाई का पुत्र दोस्तों यानी कि हो गया। तो बताइए उस व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध, यानी व्यक्ति और कल्याण में क्या संबंध है दोस्तों, यानी कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि व्यक्ति और कल्याण में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कल्याण ने कहा कि उनका पोता, यानी व्यक्ति का जो पोता है मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है, यानी कल्याण का भाई का एकमात्र क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो यही इस व्यक्ति का क्या होगा दोस्तों, यानी ये पोता हो गया, और कल्याण के भाई का यानी कि ये बेटा हो जाएगा। तो व्यक्ति और कल्याण में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो वही कह रहा है कि कल्याण का क्या संबंध है, तो पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति के छूटे भाग को पूरा करेगा, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। इस जगह पर वहां जो पेंट किया है उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए जल्दी से ट्राई करके देखिए। तो हम आपको तरीका यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इधर से इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो हम लोग समझ गए। यहाँ पर सबसे पहले इसको इस प्रकार से मिलाना होगा, उसके बाद देखिए ये तो मिला दिए, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या क्या होगा। तो यहाँ से जाएगा दोस्तों एक रेखा इधर से आएगा, और इस प्रकार से इसमें बनेगा, और एक इधर से इसमें गुजर जाएगा। तो ऐसा किस में है, ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आकृति को पूरा करने के लिए हम लोगों को बी को लगाना होगा। जैसे ही बी वहाँ पर आकृति रख देंगे तो फिगर हम लोगों का पूरा पूरा बन जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन करा कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करा। अनुक्रम करने का मतलब इन जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों बी है, उसके बाद ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद यहाँ पर एन है, उसके बाद यहाँ पर जे आई, एन के बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बढ़िया तो है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं कि बी से यदि ई पर जाएंगे तो ए बी सी डी में सोचना है दोस्तों कितना लेटर उसने घटाया। तो बी से यदि ई पर जाएंगे तो यहाँ पर ए लेटर घटाया नहीं, ए बी सी डी में सोच रहे हैं तो जोड़ा है, यानी कितना जोड़ा है तो तीन जोड़ दिया है। उसी प्रकार से ई से आई पे जा रहे हैं तो उसने चार जोड़ दिया। आई से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों दीद के पाँच जोड़ दिया, तो इसमें हम क्या कर देंगे, छः जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो किस में जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, तो ए बी सी डी में जोड़ रहे हैं, इस तरीके से आपको सोचना होगा। जैसे बी से ई पे जा रहे हैं तो देखिए बी से ई के बीच, बी के बाद क्या होता है, सी डी ई, अंगुली ऐसे हाथ में करके देखिए, वहाँ पर जाने के लिए तीन जोड़ना। उसी प्रकार ई के बाद आई, तो ई के बाद होता है एफ जी एच आई, तो देखिए चार जोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा। अगला प्रश्न देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। तो चलिए बताते हैं, कह रहा है कि सभी केक मिठाई है, यानी जितने भी केक है दोस्तों उस सारा केक हम लोगों का क्या कर रहा है कि मिठाई है। तो यहाँ पर बना लीजिए कि सभी केक क्या हो जाएगा दोस्तों, मिठाई हो जाएगा।
फिर उसने क्या करा कि सभी मिठाई, जितने भी हम लोगों का मिठाई है दोस्तों, वो क्या है तो कह रहा है कि आप बेकट है, तो यहाँ पर कर लिया है, यानी कि सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकट हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि इस मिठाई को क्या कर रहा है, बेकट कर रहा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसमें क्या कर रहा है निष्कर्ष में कि सभी केक जो है बेकट, बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों, जितना भी केक का हिस्सा है वो किसके अंदर है, तो बेकट के अंदर। वही कह रहा है कि सभी केक, जितने भी केक है, तो केक का सारा हिस्सा किसके अंदर में है, तो बेकट, क्योंकि बेकट का एक बड़ा गोला है, इतना बड़ा गोला जो देख रहे हैं किसका है, बेकट का। वही कह रहा है सभी केक बेकट है, ये बात हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ बेकट मिठाई, तो ये भी बात सही हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गोला हिस्सा किसका है, बेकट का है, बेकट में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा किसका हो जाएगा दोस्तों, ये जो मिठाई का, ये देखिए इतने सा हिस्सा मिठाई का, तो भाई कह रहा है कि कुछ बेकट मिठाई है, तो बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा गोला बेकट का है, बेकट के हिस्से में से कुछ हिस्सा, यानी इतना सा हिस्सा किसका हो जाएगा, तो मिठाई का हो जाएगा। ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी दोनों बात सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया दोस्तों, चलिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है टीचर को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं क्या क्या करना होगा कि टी है, उसके बाद देखिए ई है, उसके बाद ए है, फिर सी है, एच है, उसके बाद ई है, उसके बाद आर, इसी को क्या क्या लिखा है, तो यू लिखा है, फिर डी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी लिखा, इसको भी बी लिखा, फिर आई लिखा, उसके बाद डी लिखा, फिर एस लिखा, तो उसी प्रकार से कह रहा है स्टूडेंट को क्या होगा, तो चलिए कर देते हैं एस टी यू, उसके बाद डी और यहाँ पर ई, उसके बाद एन और यहाँ पर क्या है दोस्तों टी है। तो चलिए यहाँ पर करना नहीं है, देखना है कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर, देखिए ई से यू पे जा रहे हैं, ई से डी पे जा रहे हैं, ए से बी, सी से बी, एस से आई, ई से डी, आर से एस, इस सब में ए बी सी डी में कुछ ना कुछ, देखिए इस सवाल किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो कोडिंग डिकोडिंग में उसने क्या किया है और कैसे किया है, देखिए टी से यू पे जाएंगे तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस वन कर दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखेगा नहीं, अच्छा इधर कर देते हैं, हटाइए, यहाँ पर क्या किया दोस्तों उसने, प्लस वन किया है, ई से डी पे आएंगे तो माइनस वन किया है, ए से बी पे जाएंगे तो प्लस वन, सी से बी पे जाएंगे तो देखिए सी से बी पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस वन करना होगा, ठीक है, डी से यदि आई पे जाएंगे प्लस वन, ई से डी पे जाएंगे माइनस वन और यहाँ से जाएंगे तो प्लस वन, तो आप समझ गए कि एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन, तो शुरू में उसने प्लस किया तो यहाँ पर क्या करना होगा, आप प्लस कर देना होगा, तो जैसे ही प्लस वन कर दिए यहाँ पर माइनस वन कर देना होगा, इस जगह पर फिर प्लस वन कर देना है, यहाँ पर माइनस वन कर देना है, इस जगह पर प्लस वन कर देना है, फिर इस जगह पर क्या करना होगा दोस्तों, माइनस वन करना होगा, यानी यहाँ पर क्या करना होगा, इस जगह पर माइनस वन करना होगा और आखिरी में क्या करना होगा, प्लस वन करना होगा, बस इतना कर दिया हो जाएगा। तो एस में जैसे ही करेंगे तो हम लोगों के सामने टी हो जाएगा, टी में जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो टी और एस से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। बाकी और भी कर सकते हैं कि यू में जैसे ही जोड़ेंगे भी हो जाएगा, डी में जैसे ही एक घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई में जैसे ही करेंगे तो एफ हो जाएगा, एन में जैसे ही एक हम लोगों को घटाना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा, टी में जैसे ही जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को। अगला प्रश्न की दोस्तों पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, यानी कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि पेपर को मोड़ने, यानी पंच करने का मतलब छेद करना यानी कट करना, वही कह रहा है कि करने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा, और इंडिकेट की करके भी बता रहे दोस्तों कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। तो कहना यही चाह रहा है कि देखिए आधा भाग मोड़ दिया, आधा के बाद एक कोना मोड़ दिया, तो उसने कहने का मतलब इस प्रकार से ले लिया एक गोला आकृति और उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर उसने एक भाग इसका मोड़ दिया, तो एक भाग मोड़ के और इस प्रकार से यहाँ पर उसने दिया है और यहाँ पर इस जगह पर काटा है, तो उसी प्रकार से जब इधर खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का एक गोल बन जाएगा, उसी प्रकार से इधर भी खोलेंगे तो यहाँ भी एक गोल बन जाएगा और एक गोला हम लोगों का कहाँ बनेगा दोस्तों, यानी सटा हुआ इस प्रकार से, यहाँ पर कर लीजिए,
ये देखिए यहाँ पर एक गोला हो जाएगा और इसी प्रकार से एक गोला यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी वैसा ही दिया है, ए भी वैसा ही दिया है, तो बड़ा कन्फ्यूजन करेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पर जब खुलेगा तो खुलेगा तो उतनी ही दूरी पर इधर गोला हो जाएगा और उसी प्रकार से यानी एकदम नज़दीक होगा दोस्तों, क्योंकि खोलेंगे तो उतने ही दूर पर बनेगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे यानी इस जगह पर एक गोला हो जाएगा हम लोगों के सामने, फिर एक गोला यहाँ पर ऊपर में चल जाएगा यानी कि एक एक गोला किधर हो जाएगा दोस्तों, ई कोना में, और एक गोला इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। हम लोगों का यहाँ पर कन्फ्यूजन बी में बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे, लेकिन नहीं होगा वैसा, नज़दीक में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे सिमिलर ऑप्शन दिए हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, लेकिन जो एजेंसी कंडक्टर है जिस प्रकार से उसने सॉल्यूशन दिया है, आंसर दिया, उसी आधार पर उसी तत्व पर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया, अब यहाँ पर बताना कि क्या करना होगा। तो देखिए उसने क्या लॉजिक लगाया दोस्तों, एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर ये देखिए इस जगह पर उसने दर्पण प्रतिबिंब लगाया है, यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए एक बात यहाँ पर लिख देते हैं कि उसने क्या करना है, दर्पण यानी कि मिरर में देखना है, दर्पण में देखना है, दर्पण यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब। इस प्रकार से कर लेते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब हुआ है, यानी कि देखिए कुछ दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों के सामने, ये वाला दर्पण प्रतिबिंब हुआ है, यानी जब इस फिगर को देखेंगे तो ऐसा ही बनेगा। उसी प्रकार से जब इसको हम लोग मिरर में देखेंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, ये देखिए जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस प्रकार से आएगा। देखिए बात को समझना होगा, रटने से नहीं होगा, गलती कर देंगे फिर आप। तो यहाँ पर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों, अगर दर्पण में जानते हैं कि आप इस प्रकार से रेखा रखेंगे तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से रेखा हो जाएगा और इसमें लाइनिंग किधर से हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, देखिए इधर से बीच में हम लोगों का जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया और लाइनिंग किधर से जाएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों का चालू हो जाएगा, यानी यहाँ से इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, इस प्रकार से आपका लाइनिंग हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो गोला आकृति है दोस्तों, यहाँ पर गोला आकृति, देखिए गोला आकृति अपने अनुसार पलट रहा है। पहला वाला देखिए गोला वाला आकृति जो है वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, उसमें जो है एक अलग लॉजिक चल रहा है, काला वाला भाग ऊपर हो जा रहा है और नीचे हो जा रहा है। उसी प्रकार से इसका जैसे कि काला भाग ऊपर है, इसमें क्या करना होगा, काला वाला भाग नीचे करने का। देखिए गोला वाला आकृति इस प्रकार से, देखिए हम एक तत्व के आधार पर आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं, कहेगा कि इस आंसर ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपको समझना होगा। देखिए जिस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन क्या हुआ कि इसको क्या कर दिया दोस्तों, एक पलटा दिया, तो उसी प्रकार से जब इसको पलटाएंगे तो जो खाली वाला भाग है तो पहले आ जाएगा, उसके बाद उधर हो जाएगा, यानी मिरर में देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन जो गोला वाला आकृति, गोला वाला जो काला वाला भाग जो देख रहे हैं, उसको एक अलग आधार पर रखा, उसमें दर्पण प्रतिबिंब नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हम देखिए यहां पर अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं और आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बड़ा सिमिलर ऑप्शन दिया है जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, लेकिन हमने जो तरीका बताया उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि दिखाई गई संयुक्त रेखा चित्र में सभी, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एक बात दिया है कि सभी, यहाँ पर देखिए सभी ज्यामितीय आकृति में कौन सा अक्षर है, यानी सभी में जितने भी ज्यामितीय अक्षर कह रहा है कि उसमें कौन सा है। तो ज्यामितीय आकृति में देखना है दोस्तों कि सब में कौन है, तो देखिए सब में जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई जो ई को देख रहे हैं इस सभी में है, तीनों में, गोला में भी है, त्रिभुज में भी है, वर्ग में है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर बोला है कि सभी ज्यामितीय आकृति में, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का यानी कि ई होगा और ई को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए, तो सही उत्तर बताना है कि यहाँ पर, चलिए अब कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, तो एक एक चेक करना होगा, एक एक ऑप्शन को उठाना होगा और वहाँ पर बैठाना होगा। तो चलिए उठाकर और बैठाना है, तो बैठा देते हैं। देखिए पहला ऑप्शन पहले उठा के देखते हैं कि 12 हो गया, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए जोड़ के इसको देख लीजिए, 8 4 कितना हो जाएगा,
इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ऐसा करने से नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं जीरो आता है कि नहीं। पहले करना होगा कि आठ, इधर देखिए बारह हो गया, यहाँ पर क्या लिख देंगे बारह, और इधर हो जाएगा दोस्तों माइनस तीन का तीन, इधर आठ चार क्या हो जाएगा बारह हो जाएगा, तो बारह बारह क्या हो जाएगा चौबीस, चौबीस में तीन घटेगा तो हम लोगों का क्या जीरो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमने कर लिया, नहीं होया और नहीं हो पाया। अब दूसरा उठाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे 12 उसके बाद हम लोगों के सामने भागा, उसके बाद तीन और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा चार, और भाग में क्या दे देंगे दोस्तों आठ दे देंगे, इसी प्रकार से है। तो इसको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बारह में तीन से भागा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा चार आ जाएगा, उसी प्रकार से चार में आठ से भागा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा एक बट्टा दो आ जाएगा, तो ये भी हम लोगों का जीरो नहीं हो पाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर अब सी को उठा के रखना होगा, तो यहाँ पर बारह ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों माइनस तीन, उसके बाद हम लोगों के सामने माइनस चार और माइनस क्या दोस्तों आठ, तो क्या हम लोगों का जीरो आ पाएगा? आपको लग रहा है कि ऐसा करने के बाद जीरो आ पाएगा, देखिए आठ चार बारह तीन पंद्रह, तो बारह और माइनस क्या हो जाएगा पंद्रह, कभी जीरो नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब डी को उठा के देखते हैं, क्या डी से हो पा रहा है फॉलो, क्या एक बार करके देखते हैं क्या, तो डी नहीं होगा तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी ही होगा, एकदम आंसर निकल चुका है। जब सभी ऑप्शन को चेक कर लिए तो अब क्या कहाँ जाएंगे चेक करने के लिए, इधर हो जाएगा चार और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों आठ, अब बराबर क्या जीरो होना ही होगा, होना ही होगा। तो देख लेते हैं कि कैसे होगा, बारह में तीन से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा, और इधर क्या है हम लोगों का चार हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा आठ है, तो यहाँ पर इधर जीरो पुराना है, तो देखिए चार और चार कर देंगे तो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, आठ में से आठ घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों जीरो आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल फॉलो कर गया इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले दिशा के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिक बात कि पूर्व हमेशा आपको इस साइड में लेना होगा, और पश्चिम हमेशा आपको इस साइड में लेना होगा, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना होगा दोस्तों उत्तर लेना होगा, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दक्षिण लेना। ये पैटर्न को हमेशा आपको याद रखना होगा कि पूर्व आपने किधर कहा लेने के लिए, पश्चिम किधर कहा, उत्तर किधर कहा, दक्षिण किधर कहा। अब चलिए यहाँ पर बना लेते हैं कि इस प्रकार से हम लोगों का दिशा तो इसी प्रकार से बनाना है। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं जिस तथ्य पर दिया है सॉल्व करने के। वंदना उत्तर पूर्व की ओर है, तो उत्तर पूर्व आपका कहाँ है, तो यहाँ वाला जो दिशा है उत्तर पूर्व है, तो वंदना जो है दोस्तों यहाँ पर चल रहा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व देखिए उस बीच में आएगा, तो ठीक है कितना चला है तो पाँच किलोमीटर उस चला है, तो चलने दीजिए पाँच किलोमीटर। चलने के बाद वह कह रहा है दाई और मुड़ता और 90 डिग्री, तो देखिए एक बात ये भी बात बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस प्रकार से लेते हैं तो ये वाला कौन हम लोगों का 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है। लेकिन जब इसी पे हम लोग क्या करने लगते हैं बंटवारा करने लगते हैं दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से अगर कर देंगे तो 45-45 हो जाएगा, उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो 45-45 हो जाएगा, तो वही यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री चला है, यानी कि 90 डिग्री चलने के लिए उसको यहाँ पर आना होगा, तब होगा क्या दोस्तों हम लोगों का नहीं 90 डिग्री यहाँ से यहाँ पर चलेगा, क्योंकि 45-45 हो जाएगा, तो इस प्रकार से 90 डिग्री होगा। तो वही कह रहा है कि दाई ओर, वो बोला है कि दाई ओर आपने कैसे नीचे ले गए, तो दाई ओर मुड़ता है, क्योंकि जब इस दिशा में चलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का दाया किधर हो जाएगा, इस साइड में ही दाया आएगा, और वो जो पांच जिधर लिखे हैं उस साइड बाया आएगा, तो ठीक है 90 डिग्री मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा था, ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्यादा कहानी कथा नहीं करना है बल्कि प्रश्न को समझना है, तो कैसे आप समझेंगे, हमने सारा तरीका यहाँ पर बता दिया कि दायां किधर होगा बायां किधर होगा। देखिए तीर का निशान आप जिधर चल रहे हैं तो वैसे आप चलिए, तो देखिए दायां हाथ किधर हो रहा है बायां हाथ किधर हो रहा है, आप सब समझ जाएंगे, बस एक बार कॉपी निकाले और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लग जाए। फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या तो टेलीग्राम पर या वीडियो सेक्शन में भी कॉमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए एक शब्द, यहाँ पर लिखा है दोस्तों एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। एक सार्थक अनुक्रम कहने का मतलब आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को क्या करेंगे। ये भी प्रश्न अभी तक हमारे लगभग 3 से 4 सेट में हमने इधर हाल ही के देखे, आप उधर पिछले भी कई बार रिपीट कर चुका होगा कि यहाँ पर जैसे कागज है, क्योंकि हमारा पाठ दोस्तों बहुत आगे निकल चुका है, पाठ यहाँ पर 386 आ गया, तो आप सोच रहे हैं कि कितना क्वेश्चन हमने करवा चुका है और अभी कितना पाठ चलेगा, तो उस तत्व पर देखेंगे तो कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर
पहले आपके लिए कागज जरूरी है कि लेखक है कि कलम है कि पुस्तक है कि पुस्तकालय है। तो वही वाला कहानी है कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन उसी तरीके से यहाँ पर लगेगा कि सर पहले हम लोगों का लेखक होगा कि पहले कलम होगा कि पहले कागज होगा कि पुस्तक होगा। अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करें। तो सबसे पहले हम लोगों का जरूरी है दोस्तों कुछ भी नहीं, कि सबसे पहले लेखक का यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर लेखक जैसे ही ले लेंगे तो लेखक क्या करेगा दोस्तों, कलम लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा। लेखक जैसे ही कलम लेंगे, कलम लेने के बाद वो कहाँ जाएगा, तो कागज लेने के लिए। लेखक आया, फिर कलम लिया, फिर कागज उसने लिया, और कागज के बाद उसने क्या किया दोस्तों, पुस्तक हो जाएगा, यानी पुस्तक को उसने लिख डाला। तो ठीक है, यानी पुस्तक हो जाएगा। तो पुस्तक के बाद क्या करेंगे दोस्तों, पुस्तकालय ले जाएंगे। तो इस तत्व पर इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कहने का मतलब पुस्तकालय यहाँ पर कर लीजिएगा इधर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इसमें बैठा दीजिए जो नंबर दिया है उसको बैठा दीजिए, इसमें घबराना क्या है कि 3 नंबर लेखक हो जाएगा और 5 नंबर हम लोगों का ये हो जाएगा और 1 नंबर कागज हो जाएगा, 4 नंबर पुस्तक हो जाएगा और पुस्तकालय 2 नंबर पर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। और जिसने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी एग्जाम स्टार बाजार को, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर सिर्फ GK GS और करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, तो उसे भी जाके देख लीजिए एक बार कि किस प्रकार से कराया जा रहा है क्वेश्चन को। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट और अगले वीडियो में मुलाकात होगी।